या बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें मेन कारण है अनुवांशिक कारण, कि अगर हम बात करें जाति, जलवायु, देश, प्रदेश, ये सब भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारक कौन सा है? वो है लैंगिक जनन अनुवांशिक कारण, क्योंकि उसकी वजह से एक घर में दो व्यक्ति ही, दो बालक ही भिन्न होते हैं, तो आपसे मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत भिन्नता इससे होती है। अब यहाँ पर जो हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है बोलो बालकों के प्रकार। तो एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं बालक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सामान्य बालक, सामान्य बालक, एक होते हैं विशिष्ट बालक। ठीक है, विशिष्ट बालक, हर वो बालक जो सामान्य से अलग है वो विशिष्ट कहलाएगा। इसका मतलब हुआ सामान्य बालक एवरेज आईक्यू वाले होते हैं और अधिकांश बालक होते हैं। ठीक है, अधिकांश मैक्सिमम बालक कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। विशिष्ट बालक लो आईक्यू भी हो सकते हैं, हाई आईक्यू भी हो सकते हैं। लो आईक्यू एंड हाई आईक्यू, इसका मतलब हुआ कि विशिष्ट बालक हर वो बालक जो सामान्य से अलग है वो विशिष्ट बालक है, या विशिष्ट बालक का मतलब वीआईपी बिल्कुल नहीं है। इसमें लो आईक्यू वाले भी आएंगे, हाई आईक्यू भी वाले भी आएंगे। इसका मतलब विशिष्ट बालक के बारे में अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए प्रतिभाशाली, जीनियस चाइल्ड बालक भी इसी में आता है, क्रिएटिव चाइल्ड, सर्जनशील बालक, सर्जनशील बालक भी इसमें आता है, पिछड़े बालक भी इसमें आते, बैकवर्ड चाइल्ड, तो मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक भी इसमें आते हैं, अपराधी बालक, अपराधी बालक भी इसमें आते हैं। ये दोनों आपसे मेरे को हाई आईक्यू एवरेज से, ये लो आईक्यू, क्लियर? इसका मतलब हुआ कि पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है दोस्तों कि विशिष्ट बालक होता है। ऑप्शन में एक लिख रखा हूं मंदबुद्धि बालक, एक अपराधी बालक, एक प्रतिभाशाली बालक, एक उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। सबसे पहले ये खंडा आपका क्लियर होना चाहिए, ये सारे के सारे बालक क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट, अगर मैं बात करूं बाल विकास, ठीक है, बाल विकास के अनुसार, बाल विकास का मतलब होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास के अनुसार अनुसार प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार अधिकांश बालक सामान्य एंड कुछ बालक विशिष्ट होते हैं। देखो ये दो स्टेटमेंट है, अक्सर स्टूडेंट इनमें मिस्टेक कर देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी चाइल्ड साइकोलॉजी बाल विकास के अनुसार पूछे तो आपको क्या पता होना चाहिए? प्रत्येक बालक क्या होता है? विशिष्ट बालक होता है। मेरी बात को अच्छे से समझना, अगर आपको ये लाइन दे रखी है तो प्रत्येक बालक क्या होगा? विशिष्ट बालक होगा। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार पूछा जाए तो अधिकांश बालक क्या होंगे? सामान्य, और कुछ बालक होंगे विशिष्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाल विकास के अनुसार बोलो विशिष्ट बालक होता है, कुछ बालक, अधिकांश बालक, प्रत्येक बालक, तो यहाँ पर जब बाल विकास के अनुसार पूछे तो विशिष्ट बालक, प्रत्येक बालक विशिष्ट बालक होता है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है। ओके, लेकिन जब व्यक्तिगत भिन्नता लिखा हुआ है तो
तो आपको पता होना चाहिए अधिकांश बालक सामान्य होते हैं, कुछ बालक विशेष होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर उसमें विशेष बालक का मीनिंग अलग है। उसमें मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, बोलो आपसे मैं कहूँ सृजनशील बालक और अपराधी बालकों को विशेष बालक कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। एक एक बालक हम बहुत अच्छे से मैं आपको स्टडी कराऊंगा। अभी मैंने आज आपको लेक्चर में क्या बताना चाहा है, क्योंकि बहुत सी बार स्टूडेंट बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन टॉपिक का मीनिंग वही क्लियर नहीं होता है, तो आज मैंने आपको सामान्य बालक और विशेष बालक में क्या डिफरेंस होता है और विशेष बालक कौन कौन से होते हैं और बाल मनोविज्ञान के अनुसार क्या स्टेटमेंट है विशेष बालक के लिए और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार क्या स्टेटमेंट है, यह बताने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा मीनिंग समझ में आया होगा, कमेंट्स करके बताएं और दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।